गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड पैटर्न. तो स्टार्ट करते हैं. शेप्स एंड पैटर्न यानी कि किसी भी चीज़ के जो पैटर्न होते हैं उसके नाम और शेप्स के जो नेम है, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक है. और इस तरीके के ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, सिलेंडर टाइप है, कॉन टाइप, स्फेयर टाइप या फिर क्यूबॉइड टाइप, ठीक है ना. तो इस आज हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है, टिक द करेक्ट आंसर. ये है जैसे कि सिलेंडर. तो सिलेंडर कैसा होता है, रोल और इसकी स्लाइड होती है, यस. तो ये बोथ, इसको टिक करना है बोथ को, ओके. फिर है, ये है कॉन. कॉन में रोल होता है, स्लाइड नहीं होती है, तो रोल को किया. स्फेयर एक गोल आकृति होती है, रोल होता है, उसमें कोई स्लाइड नहीं होती है, तो रोल को टिक करना है. फिर आता है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में रोल नहीं होता है, स्लाइड्स होती है, तो स्लाइड को टिक करना है, ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1. इसमें देखो क्या करना है, सर्कल द करेक्ट आंसर. सर्कल द करेक्ट आंसर में अ लिटिल विथ स्ट्रेट लाइन ओनली. देखो इसमें से सिर्फ स्ट्रेट लाइन किसके अंदर है, तो हमें स्ट्रेट लाइन को सर्कल करना है, ठीक है. ये नोटबुक में भी आपको करवाया हुआ है, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से. फिर सेकंड है अ नंबर विथ कर्व लाइन. कर्व लाइन किस में है, सिर्फ कर्व लाइन. तो ये 8 जो है इसमें सिर्फ कर्व लाइन है. कर्व लाइन पता है ना, ऐसे 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 होती है जो. थर्ड है लेटर विथ बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, जिसमें कर्व भी है और स्ट्रेट लाइन भी है. तो इनमें से कर्व और स्ट्रेट लाइन जो है डी में है, तो डी को सर्कल करना है. फिर आ जाता है नेक्स्ट अ नंबर विथ कर्व ओनली, जिसमें सिर्फ कर्व है, वो कौन सा नंबर है, 6. इसमें सिर्फ ये देखो, एक ये वाला कर्व है और एक ये सर्कल वाला कर्व है, तो 6 को सर्कल करना है. फिर आ जाता है एक्सरसाइज 5.2. इसमें क्या करना है, इनकी साइड बतानी है और वर्टिक्स बतानी है, ठीक है. तो सर्कल का आपको ड्रॉ करना है. सर्कल इसमें क्या होता है, सिर्फ कवर्ड इसमें कोई भी वर्टिक्स नहीं होता है, सिर्फ कवर्ड साइड्स होती है, ठीक है. तो वन साइड होती है. फिर आ जाता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के अंदर 4 साइड होती है, 1, 2, 3, 4 साइड्स और 4 वर्टिकल्स, 1, 2, 3, 4, ओके. फिर नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर. स्क्वायर में भी 4 साइड और 4 वर्टिकल्स, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है ट्रायंगल. ट्रायंगल में 3 साइड्स एंड 3 वर्टिकल्स आते हैं, 3 साइड्स हो गई और 3 वर्टिकल्स, ओके. फिर आ जाता है ओवल. ओवल में एक ही स्लाइड कवर साइड एक ही होती है और वर्टिकल 0 होता है, इसमें कोई भी वर्टिकल नहीं है, ये एक सर्कल की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा ओवल साइज एग का जो शेप होता है उस शेप के अंदर होता है, ठीक है. तो ये तो आपका है नोटबुक वर्क, ठीक है, इसे आप नोटबुक में करेंगे. अब आ जाता है आपका बुक वर्क, ठीक है. तो बुक वर्क में देखो, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 5.1 हो गई है, फिर आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2, ठीक है. 5.2 मैंने जो अभी नोटबुक में कराई थी वही है, ठीक है. तो ये हो जाती है हमारी. फिर आ जाता है एक्सरसाइज 5.3. 5.3 में क्या है, इनको मैच करना है. स्फेयर को मैच करेंगे, ये सर्कल जैसा है, इसको सर्कल से मैच करेंगे, बॉल से. अब ये है कॉन. कॉन जैसा ये कैप है, तो इसको करेंगे. क्यूब, क्यूब जैसा डाई है, और क्यूबॉइड जैसा ये मैच बॉक्स है, और सिलेंडर जैसा क्या दिख रहा है, बैटरी, ओके. तो ये मैच करने हैं. फिर देखो इसमें एजेस और कॉर्नर या वर्टिक्स बताने और फेसेस बताने, कितने फेस है. तो सर्कल में तो कोई एजेस नहीं होता है, कोई कॉर्नर नहीं होता है, सिर्फ वन फेस होता है, वन फेस, ठीक है. फिर आ जाता है क्यूब. क्यूब में देखो 12 तो होते हैं एजेस. कैसे होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, उधर वाला 5, 6, ठीक है, 7. ये देखो, ये जो एजेस है, सॉरी, ये देखो, ये जो लाइन है ये होती है एजेस, ठीक है.
1, 2, 3, 4, इसमें 4 है यानी कि फिर 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10 और पीछे वाली 11, 12, ऐसे करके 12 एजेस है। और कॉर्नर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है 4, फिर उधर पीछे 5, 6, 7, 8, तो 8 एजेस हो कॉर्नर हो गए और फेस 6 हो गए, ये 1, 2, 3, 3 हो गए हमारे सामने, 4 पीछे वाला 5 और नीचे वाला 6, ओके। फिर आ जाता है सिलेंडर, सिलेंडर में क्या है एजेस, 2 एजेस है, 1, 2 ओनली, तो 2 एजेस और कॉर्नर कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। फिर फेस कितने हैं, 1 पीछे वाला 2, सॉरी 1 ऊपर वाला 2 और ये 3, ओके। फिर कॉन में 1 एजेस, ओके 1 एजेस है, सिर्फ ये एक ही है बना हुआ। फिर आ जाता है कॉर्नर, 1 और फेसेस 2, 1 और 2, ओके। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 5.3। अब आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4, इसमें क्या करना है, पैटर्न बनाना है। लुक फॉर द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट ग्रुप टू कंटिन्यू द स्क्वायर सीक्वेंस, जैसे A1, A2, A3, तो आगे क्या आएगा, A4, A5, A6, A7, ओके। अब देखो ABC, BCD, CDE, तो अब आएगा D, E और F, फिर क्या आ जाएगा E, F और G, फिर आ जाएगा F, G, H, फिर आ जाएगा G, H, I, ओके। फिर क्या है Z, Y, X, W, इसका मतलब उल्टा उल्टी जो है ABCD है इसमें, तो W से पहले क्या आएगा, W से पहले आ जाएगा V, उसके बाद आएगा U, उससे पहले आएगा U, उससे पहले T और उससे पहले S, ठीक है। ये देखो S T U V W X Y Z, ओके। अब आता है A A B B C C, यानी कि इसका पैटर्न क्या बनेगा, D D E E F F G G, ओके। नाउ नेक्स्ट A B A C A D, यानी A के साथ में B है, C है, D है, तो अब आएगा A E A F A G A H, इस तरीके से पैटर्न बनाने हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यू द सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग एंड कलर देम, इनको कलर भी करना और इसके सीक्वेंस बनाना, जैसे ये सन मून, सन तो यहाँ पे आ गया मून, यहाँ पे आ गया सन, यहाँ पे आ गया मून और यहाँ पे आ गया सन, ओके। इनको कलर भी करना आपको। फिर देखो पैटर्न क्या है, एप्पल मैंगो एप्पल, तो यहाँ आ गया मैंगो, फिर एप्पल, फिर मैंगो, फिर एप्पल, ओके। अच्छे से बनाना, अच्छे से ड्रॉ करके इनको कलर करना है। फिर लीव स्टार, लीव स्टार, तो वापस से लीव, फिर स्टार, फिर लीव और फिर स्टार, ओके। फ्लावर सर्कल, फ्लावर सर्कल, फ्लावर सर्कल, फ्लावर, ओके। ये पैटर्न रेडी हो गया। अब आता है नेक्स्ट, ड्रॉ द नेक्स्ट शेप टू कंटिन्यू द सीक्वेंस। अब इसमें ड्रॉ करने हैं शेप, क्या है, ट्रायंगल रेक्टेंगल, ट्रायंगल रेक्टेंगल, तो अब आएगा ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल और फिर रेक्टेंगल, ओके। अब देखो स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल, तो स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर और सर्कल, आप नीट एंड क्लीन बनाएंगे इसको। फिर आता है स्क्वायर, सॉरी ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर, तो यहाँ पे वापस ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल और स्क्वायर, ओके। ये नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल है, ये उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, तो अब हमें सीधा बनाना है, अब हमें उल्टा बनाना है, फिर सीधा और फिर उल्टा, ओके। नेक्स्ट क्या है, ओवल सर्कल, ओवल सर्कल, तो यहाँ पे ओवल सर्कल, ओवल सर्कल, ओके। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, लुक फॉर द पैटर्न एंड कंटिन्यू द सीक्वेंस। 81, 80, 79, 78, यानी ये बैक काउंटिंग चल रही है, 77, 76, 75, ओके।
नाउ नेक्स्ट क्या है, 36, 46, 56, 66, यानी कि यहाँ पे भी 36, 46, 56, 66, यानी 76, 86 और 96, ये हो गया 10, 20, 30, 40, तो आगे का पैटर्न क्या है 50, 60 एंड 70। फिर क्या पैटर्न है 110, 120, 130, 140, ये हो गया 150, 160, 170, ओके। नाउ नेक्स्ट पैटर्न 55, 60, यानी कि कितना डिस्टेंस है 55 के बाद में 56, 57, 58, 59, 60, फिर 65, 70, यानी 55 का गैप है, तो यहाँ आ जाएगा 75, 80 और 85, ओके। तो ये हो गई आपकी चैप्टर नंबर जो 5 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है बुक में, आपको भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है, ओके। और ये देखो, ये वर्कशीट है पैटर्न कलर द पिक्चर विच डज नॉट फिट इन टू द पैटर्न ग्रीन कलर द रेस्ट रेड, ठीक है, आप इसमें कलर करोगे, ओके। शुड बी राइट नीट एंड क्लीन इन योर बुक एंड नोटबुक। थैंक यू।